लॉर्ड इज बिश्नोई इस वक्त है साबरमती जेल में, यानी कहें गुजरात के अंदर। लेकिन जब उसका इंटरव्यू वायरल हुआ था तो लोगों ने सवाल उठाया कि लॉर्ड इज बिश्नोई जेल के अंदर से उसने कैसे इंटरव्यू दे दिया और कहां से दिया। तो आज हमारे पास जवाब आ गया है। जवाब क्या है, कौन सी लोकेशन से उसने इंटरव्यू दिया, इसके बारे में हमारे पास एक ऐसी जानकारी है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आपको लगेगा कि एक कैदी कैसे उसने 3 राज्यों की पुलिस को परेशान कर दिया। पुलिस क्या, कोर्ट परेशान है, मीडिया परेशान है, पुलिस वाले परेशान है, जेल प्रशासन परेशान है कि भैया इंटरव्यू दिया तो दिया कैसे। और जब वो वीडियो कॉल पर बात कर रहा था तो क्या कोई वहां पर सिक्योरिटी वाला मौजूद नहीं था जिस किसी ने उसे देखा हो बात करते हुए, या फिर पैसों के लिए कुछ पुलिस वाले बिक गए और उन्होंने उसे इंटरव्यू करने का मौका दिया। क्या क्या कार्रवाई हुई, कहां से उसने इंटरव्यू दिया, आज हमारे पास हर एक वो जानकारी है। सील बंद लिफाफे में सबसे पहले इसकी जानकारी जज साहब को दी गई थी, फिर जज साहब उसे पढ़ते हैं, फिर दोबारा उसे सील कर देते हैं। लेकिन जब ये जांच पूरी हुई तो बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। दैनिक भास्कर ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीजें से पर्दा उठाया है। आज हम डिकोडिंग क्राइम में कोशिश करेंगे हर एक उस चीज से पर्दा उठाए, आपको बताएं कि लॉरेंस बिश्नोई ने किस जेल से इंटरव्यू दिया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी सामने आया कि लॉरेंस बिश्नोई एक टाइम ऐसा भी था जब वो ना ही बठिंडा जेल में था, यानी ना ही वो पंजाब में था, ना ही वो राजस्थान के जयपुर जेल में था। बीच में वो एक रात ऐसी जगह रुका था जिसकी जानकारी, और ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है उसने उस जगह से भी इंटरव्यू दिया हो। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी भी जानकारी है जिसे आप जानकर, जो वीडियो खत्म होते होते तक आप जान जाएंगे कि लॉरेंस बिश्नोई ने कैसे एक नेशनल टेलीविजन पर अपना इंटरव्यू दिया और उसे इतना फेमस कर दिया कि हर कोई आज लॉरेंस बिश्नोई की गुणगान कर रहा है। मैं कुछ टाइम बताता हूं आपको। देखिए 15 फरवरी को 2023 इसी साल शुरुआत में उसे जयपुर लाया जाता है, फिर 16 फरवरी को जेल से ही उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जज साहब के सामने पेश किया जाता है। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्यों, देखिए एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने के लिए तो भारी सुरक्षा बल की जरूरत तो पड़ती है, लेकिन कोर्ट ले जाते समय या कोर्ट से लाते समय हो सकता है कि गैंग पहले से तैयार बैठे हों, तो उन्हें चकमा देने के इरादे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसका पेशी करवा दी गई। कौन से मामले में पेशी हुई थी जयपुर में, अगर ये भी आज आप जानेंगे क्योंकि वो मामला भी बहुत अहम हो जाता है। खैर उस मामले के बारे में हम बात करेंगे। फिर जज साहब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसे 16 दिन की रिमांड पर भेज देते हैं। रिमांड पूरी होती हुई 3 मार्च को उसे दोबारा जयपुर जेल भेज दिया जाता है। फिर 6 मार्च तक 3 दिन वो जयपुर जेल में ही बंद रहता है। और 7 मार्च को पहली बार जब उसे वापस बठिंडा जेल के लिए भेजा जाता है तो जेल गार्ड कहता है कि भैया हम तो लॉरेंस बिश्नोई को अपने जेल के अंदर बंद नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बड़ी खामी है, जो आप कागजात लेके आए हो, जो ऑर्डर लेके आए हो उसमें बहुत बड़ी कमी है। तो वो क्या कमी थी वो भी आज आपको बताएंगे। और यही कमी थी कि वो ना ही किसी भी जेल में एक रात मौजूद नहीं था। इंडिया का नंबर वन गैंगस्टर जेल में नहीं था उस रात, वो कहाँ था आज आपको ये भी बताएंगे। और शक तो इसलिए जाहिर हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि हो सकता है इंटरव्यू इसी जगह पे दिया गया हो। वो कौन सी जगह थी जहां पर लॉरेंस बिश्नोई को दोनों जेल में से लेने से पहले इनकार कर दिया गया और कहाँ रुका था वो भी आपको बताएंगे। फिर 8 मार्च को अगली रोज उसको दोबारा बठिंडा जेल वापस कर दिया जाता है। तो रात भर वो जहां रुका था वो कहां रुका था आज आप ये भी जानेंगे। फिर आखिर में हम बताएंगे आपको कि जो झगड़ा हुआ कैसे, पहले तो जेल में लेने से मना कर दिया गया लेकिन वो क्या वजह थी कि जेल प्रशासन तैयार हो जाता है एक फोन कॉल आने के बाद, किसने वो फोन कॉल किया था और किसने कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई को अपने जेल के अंदर ले लो, और जिसके बाद बठिंडा जेल प्रशासन मान जाता है और जेल के अंदर लॉरेंस बिश्नोई को बुला लेता है। ये सारी चीज़ें जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स भी जानेंगे कि आखिर कब कब लॉरेंस बिश्नोई कहाँ और किस जेल में गया। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि जो दो जेल हैं, एक पंजाब की और एक राजस्थान की, वो दोनों आपस में क्यों लड़ रही हैं, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए आपस में क्यों लड़ रही हैं, और आखिरकार पंजाब हरियाणा कोर्ट क्यों इस केस में इतना दखल दे रहा है। क्योंकि देखिए एक जेल के अंदर से एक गैंगस्टर, इतना बड़ा गैंगस्टर इंटरव्यू दे देता है, वो भी एक नहीं दो दो नेशनल चैनल पर, जिसके बाद जेल की फजीहत होती है, ना सिर्फ पंजाब की बल्कि राजस्थान की भी, क्योंकि दोनों तरफ पे ये चल रहा है इस जेल का है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं।
अब ऐसे में कोर्ट खुद से इसमें दखल देती है क्योंकि कोर्ट की नजर में वो जेल ही आरोपी है जिसके अंदर रहते हुए गैंगस्टर ने बड़े आराम से दो इंटरव्यू दे दिए, और इसीलिए जो इसके पूरे जांच करने के लिए एसआईटी का गठन किया जाता है और कहा जाता है कि भैया आप इसको पूरी तह तक जाइए कि आखिर किस तरीके से लॉरेंस ने जेल में बैठे बैठे दो दो इंटरव्यू कर दिए, किस तरीके से, कैसे हुआ, राजस्थान में हुआ, पंजाब में हुआ, कहाँ हुआ, पता लगाइए। अब पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो अब हाल ही में 12 दिसंबर को एडीजीपी ने पंजाब के मुख्य सचिव को एक रिपोर्ट सौंपी जो एक सील बंद लिफाफा था, वही लिफाफा कोर्ट में जाता है, कोर्ट जज साहब उसे देखते हैं, जिसके अंदर ये बात कही गई थी और ये दलील दी गई थी पंजाब की भटिंडा जेल की तरफ से कि हमारी जेल में जैमर लगे हैं और यहाँ से अगर जेल में बैठा कोई भी कैदी कोई ऐसा इंटरव्यू करता है, फ़ोन पर किसी से बाहर बात करता है तो पता लग जाएगा, बड़े आराम से पकड़ लिया जाएगा, वो बहुत ही आराम से हम ये सारी चीज़ें जान सकते हैं कि जेल में बैठकर कौन सा शख्स बाहर किसी से बात कर रहा है या किसी ऐप के थ्रू इंटरव्यू दे रहा है, ये सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। साथ ही साथ उस सील बंद लिफाफे में जो कोर्ट में जज साहब के पास पहुंचा उसमें ये भी था कि जो इंटरव्यू लॉरेंस का हुआ है, यानी जो दो इंटरव्यू नेशनल चैनल पर टेलीकास्ट किए गए हैं, वो हरियाणा और पंजाब की जो सीमा लगती है उससे बाहर किए गए हैं। हरियाणा और पंजाब में एंटर होने के बाद जो सीमा लगती है, जब वो पंजाब के भटिंडा जेल लाया गया तो भटिंडा जेल का ये कहना है कि इस सीमा के अंदर आने के बाद वो इंटरव्यू किया ही नहीं गया है, हमारी जेल पाक साफ है, यहाँ से कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं किया गया, ये पूरी चीज़ें कहनी है भटिंडा जेल की। लेकिन अब ऐसे में जो राजस्थान पुलिस है वो भी ये कह रही है कि आप चाहे जैसे रिपोर्ट सौंपिए, आप जो भी बताइए, लेकिन हम भी अपने स्तर पर जांच कर रहे हैं, हमने जयपुर जेल में जहां पर इसको लाया गया था लॉरेंस को वहां पर भी जांच कराई, बाकी जेल की भी जांच कराई कि आखिर किस तरीके से, क्या अंदर बैठकर कोई गैंगस्टर इस तरीके से इंटरव्यू दे सकता है, वो भी इतना लंबा, एक एक घंटे का इंटरव्यू और किसी को पता ना चले, कोई गार्ड वहां पर ना खड़ा हो, हमने भी इस तरीके से अपने स्तर पर इसकी जाँच कराई है और हमारी जेल में कोई ऐसी चूक नहीं हुई है, हमारी तरफ से कोई ऐसी गलती नहीं की गई है जिसकी वजह से जो गैंगस्टर है उसने बड़े आराम से इंटरव्यू दे दिया। अब सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यह है कि जो पंजाब पुलिस है, यानी कि जो भटिंडा जेल के जेलर हैं, जो वहाँ के प्रशासन है, वो बार बार यही कह रहा है कि हमारे जेल में जैमर लगा है, जो कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि भटिंडा जेल में जैमर लगा है जिससे पकड़ा जा सकता है कि क्या कोई शख्स क्या किसी बाहर किसी से बात कर रहा है। और वहाँ पर तो एक रूटीन दिया गया है कि आपको एक फ़ोन दिया गया है, उसमें आप कुछ आपको सीमित समय दिया गया है कि आप उतनी देर, हाँ लैंडलाइन दिया गया है और एक सीमित समय दिया गया है कि आप उतनी ही देर बात कर सकते हैं। तो बार बार वो इसका दावा ठोक रहे हैं भटिंडा जेल वाले कि इसी तरीके से हमने जब खुद ही दे रखा है कि आप इतने घंटे बात कर सकते हो या आपका टाइम इतने से इतना है तो आप लैंडलाइन के जरिए किसी से बात कर सकते हो, लेकिन आप इस तरीके से हमारे जेल से इंटरव्यू हो जाना ये पॉसिबल नहीं है। और इसी तरीके से एक सील बंद लिफाफा कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट ने इस पूरे मामले को सुना। अब ऐसे में कोर्ट का राजस्थान पुलिस से भी यही कहना है कि आप अपने यहाँ की हमें बताइए क्यों, आपके यहाँ से क्या इंटरव्यू नहीं हो सकता, क्योंकि जो राजस्थान पुलिस पे सवाल उठ रहे हैं इसके पीछे कुछ डेट्स हैं जो दीपक आपको बताएंगे कि क्यों वो डेट्स इतनी इंपॉर्टेंट है और किस वजह से भटिंडा जेल बार बार राजस्थान पुलिस पर यह आरोप लगा रही है या बार बार राजस्थान पुलिस की तरफ इशारा जा रहा है कि हो ना हो उनकी सीमा के अंदर ही ये इंटरव्यू हुआ है, या फिर लॉरेंस उस वक्त दोनों जेल में ही नहीं था, ना तो वो भटिंडा जेल में था और ना ही राजस्थान की जेल में था, वो तो कहीं बाहर था और बाहर से उसने इंटरव्यू दे दिया। अब वो बाहर कहाँ था ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये पूरे जो दोनों दलीलें रखी गई इसके बाद राजस्थान पुलिस ने एक और दलील दी, उनका कहना है कि देखिए जिस शख्स ने इंटरव्यू किया है, जो इंटरव्यूअर है, वो उसका जो फ़ोन कॉल है जिससे उसने बात की लॉरेंस से, उसका सीडीआर चेक करिए, क्योंकि वहाँ के पुलिस वालों का कहना है कि देखिए जेल में अगर कोई बंदी या कैदी बंद है और उससे कोई संपर्क करने की कोशिश करता है तो ऐसे में पुलिस उस शख्स का सीडीआर चेक कर सकती है, खंगाल सकती है, रिपोर्ट ले सकती है, और इसी के तहत अगर पंजाब पुलिस को लगता है कि राजस्थान जेल में वो इंटरव्यू हुआ है तो क्यों नहीं जो एसआईटी गठित की गई है वो इस पूरी चीज़ की जांच करे, उस शख्स का भी सीडीआर निकाला जाए और जांच की जाए और ये पता लगाया जाए कि क्या ये इंटरव्यू भटिंडा जेल से हुआ है या फिर हमारी जेल से, क्योंकि राजस्थान पुलिस बार बार कह रही है कि हमने अपने स्तर पर ये पूरी जाँच कर ली है। वहीं जो जयपुर के सुपरिटेंडेंट हैं जेल के, वो भी बार बार यही कह रहे हैं कि हमारी तरफ से जो हमने जांच की उसमें से ये पूरी तरीके से साबित हो चुका है कि इंटरव्यू यहाँ नहीं हुआ है, भटिंडा में ही हुआ है या पंजाब की सीमा के अंदर ही हुआ है। अब वो कैसे हुआ है, कौन सी वो डेट है कि जब वो पंजाब की सीमा के अंदर था लेकिन जेल में नहीं था लॉरेंस, और उसी एक डेट पर लोग अटके हुए हैं कि इसी दिन इंटरव्यू कर दिए गए हैं जो कुछ दिनों बाद रिलीज़ किए गए ताकि किसी को शक ना हो, और क्या है वो सारी चीज़ें, अब आप वो जानिए।
देखिए जब जज साहब डांटते हैं ना, तो जो बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं वो थर थर कांपने लगते हैं। अब जज साहब ने पूछा कि भैया मुझे तो इंटरव्यू कैसे लिखो, मुझे समझाइए। तो कोई भी आम तौर पे यही माना जाता है कि कोई भी ये नहीं कहेगा कि भाई साहब मुझसे गलती हो गई है, माय बाप मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया। अब हम उनकी बात से इसलिए इत्तेफाक रख रहे हैं पंजाब पुलिस से, क्योंकि जो सेंट्रल जेल है, बठिंडा सेंट्रल जेल, उनके पास एक डेथ जोन है। डेथ जोन में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक ऐसा इलाका है जिसके आसपास ना ही कोई, इतने भारी जैमे लगाए गए हैं कि कोई वहाँ पे बातचीत नहीं कर सकता है। लेकिन एक सच ये भी है कि वहाँ पर न्यूज़पेपर और कई और माध्यम से न्यूज़ पहुँच सकती है, लेकिन फ़ोन के ज़रिए नहीं। तो इसी चीज़ को आधार बनाकर बार बार ये पेश किया गया कि देखिए भैया, हमने तो लॉरेंस बिश्नोई को डेथ जोन में रखा है, ये कैसे पॉसिबल है कि वहाँ से कोई कॉल कर दे, वीडियो कॉल कर दे, क्योंकि इतनी भारी जैमर लगे हैं। तो जो कोर्ट में दलील ली गई, दलील कैसी दी गई? दरअसल जो राजस्थान पुलिस बाकायदा सिक्योरिटी के साथ, जो जिस बख्तरबंद गाड़ी में लॉरेंस बिश्नोई बैठा था, उस बख्तरबंद गाड़ी में 7 कमांडो उसके साथ बैठे थे, ताकि अगर कोई भी उसे भगाने की कोशिश करे या उसको निकालने की कोशिश करे, तो ये 7 कमांडो 100 गैंगस्टर पर भारी पड़ते, तो उसको लॉरेंस बिश्नोई के साथ लगातार बैठा के रखा गया था। हिदायत ये दी गई थी कि देखिए भैया, सफ़र होगा 10 घंटे का, लेकिन गाड़ी की ब्रेक पर आप पैर नहीं रखेंगे अगले 10 घंटे तक। जहां से आप शुरू कर रहे हैं और जहां आप ख़त्म कर रहे हैं, वहीं पर आप रुकेंगे, बीच में आपको नहीं रुकना है। यानी अगले 10 घंटे तक ब्रेक नहीं लगेगा। अगर आप ब्रेक लगाते हो तो आप इसके पहले सूचना दोगे, पहले ही बताओगे कि आप क्या करने जा रहे हो। तो इस चीज़ की हिदायत रखी गई थी। तो सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं थी, ये सच्चाई है राजस्थान पुलिस की तरफ से। लेकिन जब ये बठिंडा जेल पर पहुंचते हैं तो पता लगता है कि एक प्रोडक्शन वारंट होता है। प्रोडक्शन वारंट से कहने का मतलब, देखिए मुझे जज कोर्ट से हिदायत दी गई कि ठीक है भैया, बठिंडा जेल से आप इनको, माफ कीजिएगा, जयपुर जेल से निकालकर आप इसे बठिंडा जेल ले जाइए, ये रहा कोर्ट का ऑर्डर, और आप पहुंचा दीजिए। तो राजस्थान पुलिस इतनी जल्दबाजी में थी कि उनसे एक चूक हो गई। चूक ये होगी कि कोर्ट के आदेश में ये नहीं लिखा था कि बठिंडा जेल में लॉरेंस बिश्नोई को पहुंचाना है, ये जरूर लिखा था कि इसको यहां से निकाल कर भेज दीजिए, लेकिन कहां भेजिए ये नहीं बता था। अब कायदा ये कहता है कि भाई भाई भतीजावाद में, दोस्ती यारी में, कि अच्छा तुम उससे जयपुर से लेके आए हो, ये पहले बठिंडा जेल में ही था, ठीक है बठिंडा जेल के अंदर बंद कर देते हैं। लेकिन वहां के जेलर साहब ने कानून को फॉलो करना, या कहें नियम को फॉलो करना, ज्यादा आसान माना। उन्होंने ऑर्डर पढ़ के देखा कि भैया इसमें तो कहीं नहीं लिखा कि इसे बठिंडा जेल के अंदर बंद रखना है, हम कैसे ले ले लॉरेंस बिश्नोई को, इतना बड़ा गैंगस्टर है, हम नहीं लेंगे, हमारी जेल की सुरक्षा भी है, मुझे पहले किसी से बताया नहीं। तो यहाँ पे थोड़ी सी बहस होने लगी। अब 10 घंटे का सफर करके जब राजस्थान पुलिस पहुंची, बठिंडा जो जेल था उसे मना कर दिया। अब सवाल उठ रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई को कहाँ रखें। तो लॉरेंस बिश्नोई को पता है कहाँ रखा गया था? जेल का जो जेल गार्ड का जो अपना बैरक है, वहां पे लॉरेंस बिश्नोई को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया था। अब जेल गार्ड वाला इलाका ऐसा है कि जो जो बाकी गार्ड हैं जो वहां पे रहते हैं, वो अक्सर वहां पे फोन चला सकते हैं आराम से। तो उस गार्ड की बैरक में लॉरेंस बिश्नोई रुका था। अब शक जाहिर किया जा रहा है, और राजस्थान पुलिस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हो सकता है इंटरव्यू यहीं से दिया गया हो, क्योंकि वो जेल से बाहर था, ना ही वो जयपुर की जेल में था, ना ही वो बठिंडा जेल में था, एक गार्ड के बैरक में था, और यहां से सबसे आसान था किसी को भी कॉल करना। ये चीज थी, आपको बता दूं, 7 मार्च की। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की एक सच्चाई ये भी है कि वो 21 दिन राजस्थान में भी रहा। अब जब जांच बैठाई गई, तो जांच में तो जैसे कि कोई अपने पे आरोप तो लेगा नहीं, दूसरे पे आरोप मढ़ा ही जाता है, तो उसमें तो यही बात बार बार कही गई कि देखिए भैया हमारे यहाँ नहीं हुआ। तो हुआ कहाँ? तो जयपुर के जो जेलर साहब थे, जो अभी अभी नियुक्त हुए हैं, तो भास्कर ने जो अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा कि जब उन्होंने इंटरव्यू लिया, उनसे पूछा कि भैया आपका क्या मत है इस पर, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने बात कही कि भैया देखिए, जो इंटरव्यू जो जिस शख्स ने लिया, जिस रिपोर्टर साहब ने लिया है, उन्होंने नेशनल टेलीविजन पर तो उसे चलाया ही, तो क्यों ना आप उनका फोन का सीडिया निकालें। सीडिया से कहने का मतलब कि वो किस किस से बातचीत करते हैं, कहाँ उन्होंने बातचीत की, इसका ब्यूरो तो निकालें, इससे तो सब पता लग जाएगा कि कॉल कहाँ पर गई थी। तो उन्होंने इस पूरी जांच प्रक्रिया पे, जो पंजाब पुलिस के जो बड़े बड़े अफसर जो उस जांच प्रक्रिया में थे, उन्होंने एक अच्छा सवाल उठाया, और जो वैलिड पॉइंट था, उन्होंने कहा कि क्यों उस जांच रिपोर्ट में सीडीआर की रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई थी। अगर सीडीआर की रिपोर्ट होती तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। ये बात उन्होंने कही। लेकिन उन्होंने फिर ये भी कहा कि ये जो पूरा मामला है मार्च 2023 का है,
वो अगस्त में उन्होंने इस जेल का कार्यभार संभाला है, तो इसलिए वो ज्यादा इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने अपनी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन में ये जरूर दावा किया कि लॉरेंस बिश्नोई किसी भी तरीके से फोन कॉल नहीं कर सकता, क्योंकि 24 घंटे जयपुर पुलिस के जो जवान थे वो लगातार अपनी निगाहें लॉरेंस बिश्नोई की ओर रखे हुए थे। तो ये दावा कि राजस्थान पुलिस, क्योंकि देखिए हरियाणा और पंजाब पुलिस की बॉर्डर के बाहर हुआ, हरियाणा पुलिस अभी भी ये नहीं कह रही है कि राजस्थान पुलिस ने किया, बॉर्डर के उस तरफ हुआ। तो बॉर्डर के उस तरफ हुआ तो कहाँ हुआ? लॉरेंस बिश्नोई कहाँ जा रहा था उस वक्त, कहाँ था? तो लॉरेंस बिश्नोई जयपुर और या कहें बठिंडा जेल के उस तरफ ही था, या तो राजस्थान या तो पंजाब। और जिस तरीके से बड़े अधिकारियों ने दावा कर दिया कि नहीं भैया हमारे यहाँ तो बॉर्डर क्षेत्र में हुआ ही नहीं, क्या कहें कि मतलब बॉर्डर क्षेत्र में इतनी बड़ा एरिया है। और जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई दिख रहा है कि उसके, अगर आप इंटरव्यू फिर से अभी जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक बैकग्राउंड है और जेल है। और अगर आपने गौर भी किया हो, जब उस जो रिपोर्टर साहब जो नेशनल टेलीविजन में पूछ रहे थे, उन्होंने पूछा कि भैया आपको डर नहीं लग रहा कि आप इंटरव्यू ऐसे दे रहे हैं, तो लॉरेंस बिश्नोई एक सवाल जवाब देता है कि भैया जो अभी गार्ड है ना वो इस वक्त राउंड पर नहीं है, तो मुझे कोई अभी डर है नहीं, तो गार्ड है नहीं। तो इसका कहने का मतलब ये कि वो उस वक्त जेल के अंदर था, उसे पता था कि जो गार्ड ड्यूटी पे आता है वो कितनी बार राउंड लगाता है, कब आता है, और जब गार्ड राउंड पर नहीं था तब वो फोन निकाल कर बात कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल कि दोनों राज्यों की पुलिस लड़ रही है, झगड़ रही है, एक राज्य की पुलिस ने पूछा कि भैया हमें तो जवाब चाहिए, जवाब ला के दो। अब जवाब दे तो दे कौन? एक ने तो मना कर दिया, हरियाणा पुलिस ने भी मना, हरियाणा पुलिस के तो बड़े अधिकारियों ने, यहाँ तो जेलर साहब थे, वहां तो एडीजी रैंक के जो बड़े बड़े अधिकारी हो तो सीधा मना कर रहे हैं। तो सवाल अभी वही है, कौन है? और क्या जो गार्ड रूम था जो एक रात वो बाहर रुका था वहीं से उसने कॉल किया? और माफ कीजिएगा, मैं आपको एक जानकारी और दे दूं। देखिए जो लॉरेंस बिश्नोई की दो इंटरव्यू उस नेशनल टेलीविजन पर चले थे, एक इंटरव्यू पर एडी साहब ने ये कहा अपनी रिपोर्ट में कि एक इंटरव्यू सवाल किए गए थे रिपोर्टर साहब से, लेकिन जो लॉरेंस बिश्नोई था उसने अपना ऑडियो, माफ कीजिए, वीडियो रिकॉर्ड कर कर उन्हें भेजा। दूसरा एक ऑनलाइन ऐप के जरिए, या कहें स्काइप कर लीजिए या जूम कॉल के जरिए इंटरव्यू हुआ था। तो एक तो फुल इंटरनेट के जरिए, एक पहले वीडियो रिकॉर्ड करके सवाल उनके तक पहुंचाए जा चुके थे। तो कहने का मतलब ये जो गलती थी, जो जेल के अंदर जो गलती हुई थी वो एक बार नहीं दो बार हुई थी। इसी तरीके से आप अगर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक बार वो बनियान में था लॉरेंस बिश्नोई, और दूसरी बार उसने कोई टी शर्ट चीज पहनी हुई थी। तो मतलब दो बार इंटरव्यू जेल के अंदर से किसी को कॉल करने को नहीं मिलता। इंडिया का नंबर वन गैंगस्टर जो हर किसी के नजरों पर है, बड़े बड़े अधिकारी उस पर नजर रख रहे हैं, कहते हैं कि उसके सेल वार्ड में कैमरा लगाया गया है, उसके सीसीटीवी लगाया गया है, जैमर लगाया गया है, जब इंटरव्यू बाहर आता है तो पता लगता है कि ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है। तो सिर्फ ये कागजों पर बिल बनाने के, सरकार के नाम पर बिल बनाए जा रहे हैं कि आप, हमने कैमरा लगाया, हमने ये लगाया, लेकिन धरातल पर लॉरेंस बिश्नोई आज भी हीरो है, हीरो की तरह लोग उसे मान रहे हैं। और जिस तरीके से जेल के अंदर से इंटरव्यू आ जाना, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि लॉरेंस बिश्नोई का भौकाल अभी भी बहुत ज़्यादा है।